हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है सैटरडे और सैटरडे की सुबह से हो गई है न्यू ब्लॉग की शुरुआत। मेरा बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे, आपको कुछ चेंज नज़र आ रहा होगा। सो हाँ, आज हम एक सरप्राइज़ ट्रिप पे निकल पड़े हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सरप्राइज़ ट्रिप दिया है। अचानक से कल शाम को प्लान बन गया था, तो आज सुबह हम निकल पड़े हैं। कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आगे बताऊंगी, आपके साथ सारा शेयर भी करूँगी कि हम कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या घूमे। अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं चाय पानी के लिए, तो मुझे ये एरिया बीच में बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए। ये जगह कौन सी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये हम थोड़ा मे बी रामपुर से थोड़ा आगे हैं और छोटी सी ट्रिप है सैटरडे संडे की, उसके लिए निकल पड़े हैं घूमने के लिए। और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का एरिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। दूर दूर तक बस खेत ही खेत हैं। और ऐसी जगह देखने के लिए हम लोग जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, जो शहर पॉल्यूशन ट्रैफिक के बीच रहते हैं, लोग तरसते रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर। थोड़ी शांति पीस के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसी लगी ये जगह, और मैं जो आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी वो भी मुझे बताइएगा। कौन कौन वहाँ गया है, कौन कौन वो जगह देख चुका है वो भी मुझे बताइएगा। मैं भी जा चुकी हूँ कुछ साल पहले, अब मैं दोबारा जा रही हूँ वहाँ पे, बिकॉज जस्ट एक ट्रिप का प्लान था कि घूमना है, थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए, थोड़ा निकलना है। काफ़ी टाइम हो चुका था, कहीं गए भी नहीं थे, सो दैट्स व्हाट हमने सोचा ये प्लान करना चाहिए। और ये एकदम अचानक प्लान था, क्योंकि हमने इससे पहले भी राखी की छुट्टियां थी तो हमने प्लान किया था पहले से ही, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। सो बस अचानक ये वाला प्लान बन गया, और मुझे लगता है अचानक वाले प्लान ही पूरे हो पाते हैं। जो पहले से बना के रखो वो इतनी जल्दी होते नहीं है पूरे, किसी ना किसी का कोई ना कोई काम अटक ही जाता है। मैं और मेरे हस्बैंड और एक और उनके दोस्त और वाइफ, एक और कपल हमारे साथ है, तो हम जा रहे हैं और हम खूब सारा इन्जॉय करेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... तो दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ हमने बीच में एक ब्रेक लिया था अपनी जर्नी का। जाते टाइम यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया था, यू कैन से ब्रंच किया था, नाश्ता एंड लंच दोनों। और लिटरली यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। हमने दो तीन चीज़ें ट्राई की थी, लाइक नूडल्स, डोसा एंड ऑल। चाय भी बहुत अच्छी थी। सो कोई भी अगर जाना चाहता है तो मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है शिवा ढाबा, तो ज़रूर यहाँ का खाना एक बार ट्राई करें। और यहाँ के पराठे तो बहुत ज़्यादा मस्त थे, मतलब सबसे बढ़िया थे यहाँ के पराठे जो हम लोगों ने खाए। ये रामपुर की साइड जाते हैं तो ये बीच में पड़ता है। Alone.
दोस्तों वेदर देखिए, यहाँ का इतना प्यारा वेदर है। हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं इस टाइम और ये हम बादलों में चल रहे हैं, इसलिए आपको ये वेदर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जो ये हल्का हल्का सा धुआं धुआं लग रहा है, ये बादल है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हो गई है यहाँ पर शाम और हम पहुँच चुके हैं मुक्तेश्वर। ये मुक्तेश्वर में हम आ गए हैं यहाँ बालू धाम। हाँ जी, मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। हम मुक्तेश्वर आए हैं घूमने के लिए, मेरे हस्बैंड ने मुक्तेश्वर का प्लान किया था और अभी हम मुक्तेश्वर में सबसे पहले घूमने आए हैं बालू धाम वाटरफॉल के पास। ये यहाँ का सबसे मेन पॉइंट है घूमने के लिए, मैंने जो सुना है सबसे फेमस है। यहाँ सुबह से हल्की हल्की बारिश बनी हुई है, आप देख रहे होंगे मैंने अम्ब्रेला ले रखा है। सो हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये अप्रॉक्स 1 किलोमीटर का रास्ता है, वॉकिंग। सो रास्ता अच्छा है और उसकी तरफ जा रहे हैं। विद बारिश एक ट्रैकिंग भी हो जाएगी और मैं आपको ज़रूर शो करूँगी वाटरफॉल। बहुत सुना था उसके बारे में कि अच्छा है, वहाँ का पानी काफ़ी ठंडा होता है। मौसम यहाँ का बहुत ठंडा है बिकॉज़ यहाँ कल रात से बारिश हो रही है। हमें यहाँ पे लोगों ने गाइड किया है कि बारिश हो रही है, थोड़ा ध्यान से जाइएगा। हम अप्रॉक्स 300 मीटर का रास्ता तय कर चुके हैं, अप्रॉक्स 700 बचा है पहुँचने के लिए। तो पानी बहुत ठंडा है लेकिन, और यहाँ कपकपी भी छूट गई है, मौसम भी बहुत ठंडा है। थैंक गॉड मैं कपड़ों में थोड़ी एक जैकेट डाल के ले आई थी, ये सोच के कि मे भी ठंडा हो सकता है बिकॉज दिल्ली NCR में भी थोड़ा बारिश का मौसम था, तो मैंने सोचा शायद यहाँ पे भी होगा, सो इस वजह से मैंने एक जैकेट डाल ली थी। देखो दोस्तों हम पहुँच गए। मैं आपको थोड़ा सा बैक कैमरा करके दिखाती हूँ यहाँ पे वाटरफॉल, मतलब फॉल में नहीं पहुँचे हैं बट जो पानी यहाँ से वो दिखाती हूँ। और अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो यहाँ पत्थर पे देखिए किसी ने स्पीकर के वो बना रखी है कारीगरी, एंड दैट इज़ वेरी गुड। देख रहे हैं, आपको झरने की आवाज़ आ रही होगी। मैं आपको यहाँ पे और कारीगरियाँ दिखाती हूँ, एक्चुअली पत्थरों पे बहुत अच्छी अच्छी है। और ये पमन एक देखिए, जैसे यहाँ कबूतर बने हुए हैं, तितलियाँ बनी हुई हैं, और इस पत्थर पे ये भालू बना हुआ है। सो और इतना अच्छा है कि ये पानी से भी नहीं धुल रहा है, मतलब तो होता है ना पानी पड़ता है बारिश या वाटरफॉल की वजह से ये हल्का पड़ जाए हट जाए, नहीं काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ वेरी नाइस। रास्ता देखिए बहुत सही है पत्थर वाला, यहाँ पे कोई मिट्टी वाला रास्ता नहीं है, ये तो फिसलने का कोई डर नहीं है। देखिए कितनी स्पीड से पानी जा रहा है, और अभी तो मैं जिस वाटरफॉल में जाऊँगी आपको वहाँ पे दिखाऊँगी। ये एक छोटा सा वाटरफॉल है, दिस इज नॉट बालूधाम वाटरफॉल, वो तो अभी आगे है। ये मैं रास्ते की हर चीज़ कवर कर रही हूँ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, ताकि आप घर बैठे ये सब कुछ देख सकें। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो देखिए वाटर का, आपको आवाज आ रही होगी। ये देखिए रास्ता कैसे है। तो फ्रेंड्स यहाँ कैंपिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लाइक अगर यहाँ पे कोई आता है और लेट हो जाता है, इफ दे वांट टू स्टे सो दे कैन ओवर हियर। ये देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो पहाड़ों में खेती भी अच्छी होती है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें तो अपने आप ही उग जाती हैं बिकॉज यहाँ की मिट्टी अच्छी है और हर चीज़ की खेती होती है, लाइक एप्पल, आड़ू। यहाँ पे अभी मुझे नहीं पता, ये बेल लगी हुई है, बहुत अच्छी फैली हुई है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किस चीज़ की बेल है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। दोस्तों मैं आ गई हूँ यहाँ पे वाटरफॉल में मुक्तेश्वर में, आपको दिखाती हूँ नेचर। नेचर इज़ जन्नत, कितना अच्छा है। जस्ट देखिए, मैं अभी बैक कैमरा ऑन करती हूँ। ये जो मेरे साथ आए हैं वहाँ पे वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं। मैंने कहा मैं पहले, मेरी जो जिम्मेदारी है आपको दिखाना, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अभी मैं पास जाकर भी आप लोगों को शो करूँगी ये कि बालू धाम क्या वाटरफॉल है। मुक्तेश्वर में आए हैं हम लोग, आज सेम डे ही है, आज सुबह हम निकले थे 5-6 बजे अप्रॉक्स, और यहाँ पर हम 3 बजे पहुँच गए मुक्तेश्वर। पूरा रास्ता बारिश 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 ही रही है, यहाँ पर भी बहुत बारिश है, यहाँ तो कल से ही बारिश है। सो आपको आवाज़ आ रही होगी ना, ऐसे देख के इतना अच्छा सा फील हो रहा है ना, वहाँ जाके अगर पास में फील करो ना तो इतनी दूर तक आपको वाटर की छींटे आपके फेस पे आ रही हैं कि आप दूर खड़े जहाँ पे सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी वहाँ तक भी आप गीले हो सकते हो, इतना तेज है। और इसमें नहा तो बिल्कुल नहीं सकते बिकॉज ऑलरेडी बारिश और पानी बहुत ठंडा है, आपको बिल्कुल पैर जमा देगा अगर इसमें हम खड़े हो जाए तो। सो आज हम सुबह निकले थे, सो अब
शाम को हमने सबसे पहले यही, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, तो हमने कहा पहले इसे ही घूमना चाहिए, कवर करना चाहिए, क्योंकि कल फिर हम दोबारा वापस निकल जाएंगे अपने घर के लिए, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। जो सबसे मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है, उसे घूमना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ निकलते हैं। चलो मैं आपको उसे पास चल के दिखाती हूँ। देखिए पास कितना प्यारा लग रहा है ना, ये है हमारी प्रकृति, हमारा नेचर। यहाँ दूर तक ठंड लग रही है, पानी आ रहा है। बस मैं आपको दिखा के अभी अंदर जाऊंगी, इसमें खड़े होके एंजॉय करूंगी। सो दोस्तों हम निकल पड़े हैं वापसी होटल के लिए। वहाँ मैं गई थी, बस हमने वहीं पास में खड़े होकर उसके साथ पिक्स वगैरह करवाई, और हम ज़्यादा अंदर नहीं गए, जस्ट थोड़ा सा अंदर पत्थरों के ऊपर गए और पिक्स कराई और हम वापस आ गए, बिकॉज़ अंदर जाना ठीक नहीं था। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था और ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि अंदर ना जाया जाए, बारिश हो रही है एंड मिट्टी पत्थर वगैरह गिर सकते हैं, तो हम लोग नहीं गए और पिक्स करा के वापस आ गए, और करीबन वही 1 किलोमीटर का रास्ता तय करके आए। फिर उसके बाद हमने चाय नाश्ता वगैरह किया और हम लोग निकल पड़े हैं वापस थोड़ा सा नैनीताल की तरफ, क्योंकि हमें अभी होटल भी लेना है। इवनिंग हो चुकी है, करीबन 6:30 हो रहे हैं, और जाके अभी हम होटल लेके रेस्ट करेंगे, और मैं आगे आपको अपने आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी कि यहाँ पे होटल्स के क्या रेट हैं, यहाँ पे घूमने के क्या क्या पॉइंट्स हैं, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हमारा तो 2 दिन का ट्रिप था, तो हम ज़्यादा पॉइंट्स नहीं कवर पाए, क्योंकि उन्हीं 2 दिन में आना जाना भी था। रास्ते में हमने 1-2 चीज़ें कवर करी, छोटी छोटी सी, लाइक सुसाइड पॉइंट और मार्केट एंड एक छोटा सा मंदिर था महादेव जी का, वो सब कवर किया। उसके बाद मार्केट गए, हमने थोड़ी पहाड़ी सब्जियां ख़रीदी, तो मैं आपके साथ आगे वो भी शेयर करूंगी, पहाड़ी सब्जियों का टेस्ट कैसा होता है। मैंने सुना है बहुत अच्छा होता है, अलग होता है, बिकॉज होता है ना खेत की सब्ज़ी खुद से फ्रेश फ्रेश मिले तो वो और ज़्यादा टेस्टफुल होती हैं। फ्रेंड्स अभी चलते हैं, एंड का ब्लॉग का एंड करते हैं, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको ये ब्लॉग कैसे लगा। टेक केयर, बाय बाय।